नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आप देख रहे हैं चलो कुंभ चलें। संगम की रेती प्रयागराज में आस्था का महाकुंभ शुरू हो चुका है। प्रयागराज एक ऐसी जगह है जहां गंगा और यमुना नदी का संगम होता है। ये दोनों नदियां पूजनीय हैं। माना जाता है संगम पर लगने वाला कुंभ आस्था का महासागर है जो अंधेरे में प्रकाश की ओर, असफलता से सफलता की ओर हमें ले जाता है। यहां बुद्धिमत्ता के प्रतीक सूर्य का उदय होता है। आधे घंटे के इस खास कार्यक्रम में हम आपको कुंभ से जुड़े हर रंग दिखाएंगे। तो देखिए हमारा खास प्रोग्राम चलो कुंभ चलें। आज से पौष पूर्णिमा स्नान की शुरुआत हो गई है। संगम तट पर भक्तों का मेला लगना शुरू हो गया है। आज के दिन के स्नान को पावन स्नान माना जाता है। श्रद्धालु हर हर गंगे के जयकारे के साथ पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। देखिए पौष पूर्णिमा पर भक्तों की श्रद्धा। आस्था, विश्वास, सौहार्द और संस्कृतियों के मिलन का पर्व है कुंभ। ज्ञान, चेतना और उसका परस्पर मंथन कुंभ मेले का वो आयाम है जो आदिकाल से ही हिंदू धर्मावलंबियों की जागृत चेतना को बिना किसी आमंत्रण के खींच कर ले आता है। मोक्ष की कामना के साथ संगम की रेती पर सोमवार को आस्था का समंदर हिलोरे मार रहा है। कुंभ में आज आस्था का दूसरा महासंगम हो रहा है। पौष पूर्णिमा के मौके पर कुंभ में पावन स्नान की प्रक्रिया चल रही है। आज साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, जिसकी वजह से प्रयागराज में चल रहे कुंभ में स्नान का महत्व कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। संत, महात्मा, साधु, आम जनता सब शाही स्नान की साधना कर रहे हैं। हर हर महादेव की गूंज कुंभ के कोने कोने में फैली हुई है। यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। हमने ऐसा कभी मेला आज जिंदगी में नहीं देखा है। हर मेला करते हैं, इधर जो व्यवस्था की है, जो जिंदगी में कभी आज तक कभी नहीं हुई, उसके लिए हम भी आए कि हम भी देख के आए और कुंभ के अंदर डुबकी लगाएं। कुंभ में आज लगाई जाने वाली डुबकी मोक्षदायिनी डुबकी है जो कुंभ को तीर्थराज कुंभ बनाती है। ये वो अमृत स्नान है जिसका मौका भक्ति की शक्ति से ही मिलता है। इस पावन मौके पर डुबकी के लिए भक्त कई सालों तक का इंतजार करते हैं। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का खास महत्व है। चलिए बताते हैं इसके खास महत्व। मोक्ष की कामना रखने वालों के लिए पौष पूर्णिमा का दिन बेहद खास। इस तिथि को सूर्य और चंद्रमा का संगम भी कहा जाता है। पौष सूर्य देव का महीना और पूर्णिमा चंद्रमा की तिथि है। आज का दिन भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। आज के दिन की मान्यता है कि कुंभ में शुभ मुहूर्त के दौरान किया गया स्नान और दान जीवन को सुख शांति से भर देता है। आज के दिन श्रद्धालु पूजा विधि के अनुसार आस्था की डुबकी लगाते हैं। कुंभ मेले में कल्पवास की शुरुआत भी होती है। कल्पवास की शुरुआत की बात करें तो ये देवकालीन अरण्य संस्कृति की देन है। ये हजारों साल से चलता आ रहा है। श्रद्धालु पौष पूर्णिमा स्नान पर्व के साथ ही कल्पवासी संकल्प लेकर कल्पवास करते हैं। यहाँ सवेरा होता 3 बजे तब नींद खुल जाती है, लगता गंगा जी का स्नान करें और वहाँ से आके भगवान का पूजा भजन करते हैं और फिर उसके बाद जो प्रसाद मिलता है खा लेते हैं एक टाइम, फिर दूसरे टाइम पानी पत्ता थोड़ा करके सो जाते हैं। भगवान में हमारी लगन है। जब आने को 1 महीना रह गया तभी से हमको एकदम से उलझन थी कि कैसे पहुँचेंगे भगवान के दरबार में। यहाँ पहुँचाए, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, गंगा स्नान करने जाते हैं, वहाँ से आते हैं भगवान की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद जो कुछ होता है खाते पीते हैं, शाम को फिर जाते हैं गंगा जी की आरती करते हैं, जमीन पर शयन करते हैं। बस यही सब हमारा उद्देश्य है। ये सब करने से मन को, आत्मा को संतुष्टि मिलती है। बाकी और कुछ जो कुछ भगवान देता है वो तो मन की बात सुनता ही है। यही मेरा उद्देश्य है। कुंभ में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। 5.5 किलोमीटर के दायरे में 35 घाट हैं। गोताखोर बोट पर गश्त करती टीम चप्पे चप्पे पर नजर रखी हुई है। मेले में ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी रखी जा रही है।
यहाँ तो 12 बजे के बाद से ही श्रद्धालु आ गए हैं, क्योंकि ये जो अपना पूर्णिमा है वो कल से ही लगी हुई 1:30 बजे से, और आज 12:25 तक है, तो लोग कल से ही नहा रहे हैं और आज सुबह ज़्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं, और ये 4 बजे से भीड़ ज़्यादा बढ़ गई है और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम है, बहुत बड़ी तादाद में ये तो पता चल रहा है कि लगभग 8 से 10 लाख कल्पवासी मेला क्षेत्र में आ चुके हैं, और सभी लोगों को कोई रोक नहीं है, कल्पवासी आराम से आएं, अपने कैंपों में व्यवस्थित हों, क्योंकि ये मेला कल्पवासियों का ही मेला है। साधु संतों के साथ आम श्रद्धालु भी संगम सहित अलग अलग घाटों पर आधी रात से स्नान कर रहे हैं। बड़ी तादाद में श्रद्धालु संगम तट पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज के दिन आस्था की डुबकी लगाने का ज्यादा महत्व है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, 35 स्नान घाट बनाए गए हैं जहां पर श्रद्धालु आकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। घाटों पर सिविल कपड़े में पुलिस के जवान भी वहां पर मौजूद हैं कि किसी भी श्रद्धालु के साथ किसी तरीके की कोई दिक्कत न हो, इसका खासा ध्यान रखा गया है। कैमरामैन दुर्गेश के साथ धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। पौष पूर्णिमा स्नान में देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आए श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज संगम तट पर 35 देश के नागरिकों ने संगम तट पर डुबकी लगाई है। चलिए देखिए आप भी विदेशी आस्था के देशी रंग। पौष पूर्णिमा स्नान को लेकर जहां दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं, तो वहीं देश ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस महाकुंभ में विदेशियों के मन में भी भक्ति देखी जा सकती है। आज पौष पूर्णिमा का स्नान है जिसमें 35 देश के नागरिकों ने भगवान के जयकारों के साथ आस्था की डुबकी लगाई। इन देशों में जापान, अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, शिकागो, थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया के विदेशी श्रद्धालु शामिल हैं। इसको लेकर प्रशासन ने काफी पुख्ता इंतजाम किए हैं। जगह जगह पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। संगम में सुबह से लोगों का नहाने का सिलसिला जारी है। इस संगम में देश विदेश का भी संगम देखने को मिल रहा है। देश ही नहीं बल्कि विदेश के भी लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। सनातन धर्म को मानने वाले वो लोग आपके रेनबो फैमिली से जुड़ जाते हैं, जो सनातन धर्म को अपनाते हैं और माँ गंगा के पावन तट पर आचमन करने के लिए आज हमारे 35 देशों के आज हमारे साथ ये सदस्य मौजूद आए। सारे लोग डुबकी लगाएंगे और भगवान शिव का, माँ गंगा का ये नमन और ओम नमः शिवाय का ये लोग जाप करते हैं। इस महाकुंभ में मोक्ष की कामना के साथ देश विदेश के लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि आज का दिन भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है। मोहम्मद यासीन गौतम, भारत समाचार, प्रयागराज। कुंभ को इस बार बेहद भव्य आयोजन बनाने के लिए हर कोशिश की गई। इस महापर्व में श्रद्धालुओं का आगमन लगातार जारी है। त्रिवेणी संगम में वीवीआईपी बाथिंग आईलैंड बनाया गया है। देखिए आप भी वीवीआईपी स्नान के लिए संगम में मिनी आइलैंड। आस्था के इस नगरी में आध्यात्म और भक्ति की गंगा बह रही है। प्रयागराज में आस्था और धर्म का महामेला लगा हुआ है। करोड़ों की संख्या में साधु और संत पवित्र प्रयागराज के तट पर स्नान कर पुण्य लाभ ले रहे हैं। इस बीच कुंभ मेले में श्रद्धालुओं के स्नान के लिए उत्तम व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं को यहाँ वर्ल्ड क्लास सुविधा दी जा रही है। देश विदेश से आने वाले मेहमानों और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वीवीआईपी स्नान घाट तैयार किया है, जिसे त्रिवेणी संगम के बीच बनाया गया है। इसको वीवीआईपी बाथिंग आइसलैंड नाम दिया गया है। अच्छा लग रहा है और पहले कभी ऐसी व्यवस्था नहीं देखी है। इतना कन्वीनियंट है और हर चीज बिल्कुल स्मूथ स्ट्रीमलाइन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। खास करके जब महिलाएं आती थी तो उनको दिक्कत होती, इस बार कैसा लगा? इस बार तो बहुत आराम से व्यवस्था, मतलब जितना सोच के आए थे कि नहीं नहा पाएंगे, तो बहुत ही आराम से हम लोगों को जो है चेंजिंग रूम वगैरह बहुत अच्छे बने हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगा। इसे पहली बार कुंभ मेले में संगम के बीच बनाया गया है। इस आइसलैंड पर महिला पुरुष दोनों के लिए नहाने के शानदार इंतजाम के साथ साथ रेस्ट रूम और चेंजिंग रूम भी बनाए गए हैं। इसमें सोफा और टेबल भी रखी गई है। इसको लेकर श्रद्धालु बेहद खुश नजर आ रहे हैं। भव्य कुंभ और सुरक्षित कुंभ
जिस तरीके से सरकार ने परिकल्पना की थी उसको साकार रूप दे रही है। इस समय मैं मौजूद हूँ बीच संगम में, जहाँ पर एक किनारे गंगा बह रही है, दूसरे किनारे यमुना, और उसी के बीच में ये देखिए रूम बनाया गया है। कितना खूबसूरत है, अंदर आप आके ये एहसास नहीं कर सकते हैं कि हम इस समय 20 फीट से ऊपर की गहराई पे पूरा कमरा बनाया गया है। ये सोफे लगाए गए हैं और देखिए कितने VVIP तरीके से ये सोफे लगाए गए हैं। ऊपर जो छत है वो लगाए गए हैं, लाइटिंग की भरपूर व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो जो लोग यहाँ आ रहे हैं VVIP घाट से चलते हैं और ये संगम नोच पर VIPयों के लिए ये व्यवस्था की गई है कि स्नान के पहले अगर उनको रेस्ट करना है तो ये दो रूम यहाँ पर बनाए गए हैं, वहाँ पर आकर रेस्ट कर सकते हैं। अरिल घाट और संगम घाट दोनों से लोगों को लाने और ले जाने के लिए स्टीमर और नावों की भी व्यवस्था है। कुंभ मेला इस बार 3200 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर आयोजित हो रहा है और इसमें अगले आने वाले दिनों में 12 करोड़ से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। संगम की रेती पर एक अलग ही दुनिया बस चुकी है। आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं के लिए सरकार ने खासा इंतजाम किया है, जिससे श्रद्धालुओं को संगम में किसी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। आस्था की डुबकी लगाने वाले को इस बार बेहद अच्छे खासे इंतजाम सरकार ने किया है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये पूरी तरीके से एक जेटी तैयार की गई है बीच संगम पर, जहाँ पर गंगा और यमुना अदिश्व सरस्वती का यानी त्रिवेणी का जहाँ मिलन होता है, लोग यहाँ आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं और उसके लिए सरकार ने बेहद अच्छे खासे इंतजाम किए हैं। आप देख सकते हैं कि हम इस समय जहाँ चल रहे हैं बीच धारा है गंगा और यमुना की और उसी के बीचों बीच ये जेटी तैयार की गई है। इसमें जो VVIP लोग हैं वहाँ पर आएंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। इसके लिए अलग से घाट बनाया गया है और दो चेंजिंग रूम बनाए गए हैं, जिसमें एक महिलाओं के लिए और एक पुरुषों के लिए। भारत समाचार के लिए प्रयागराज से धीरेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। संगम की रेती पर तंबुओं का शहर बस गया है। प्रशासन ने यहीं पर दंडी नगर भी बसाया है, जो लोगों के लिए खासा आकर्षण का केंद्र है। इस नगर में दंड धारण किए हुए सैकड़ों की तादाद में दंडी महात्मा रह रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे आखिर कौन होते हैं दंडी महात्मा, क्यों धारण किया जाता है दंड और कौन सा संत धारण करता है दंड। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। संगम की रेती पर आजकल एक अलग ही दुनिया बस चुकी है। कई संप्रदायों के संत महात्माओं ने तंबुओं के शहर में रहना शुरू कर दिया है। इसी में एक संप्रदाय दंडी सन्यासियों का है, जो हाथ में दंड लिए आपको मेले में हर जगह नजर आएंगे। माना जाता है कि पुराणों के मुताबिक सृष्टि का सबसे पहला यज्ञ यही हुआ था। यज्ञ के लिए भगवान सत्यनारायण का आह्वान किया गया और उन्हें उच्च स्थान देकर पूज्य देवता माना गया। भगवान सत्यनारायण अपने हाथ में कमंडल और दंड लिए प्रकट हुए थे और यहीं से शुरुआत हो गई संत समाज में दंड परंपरा की। दरअसल दंड तीन तरह के होते हैं। शारदा मठ के लोगों का दंड नारायण कहते हैं, जिसमें 8 गांठें होती हैं। वहीं गोवर्धन मठ के लोगों का दंड सुदर्शन दंड कहलाता है, जिसमें 10 गांठें होती हैं। और आखिरी में सरस्वती मठ के श्रृंगेरी और ज्योतिष पीठ का दंड, जिसमें कई गांठें होती हैं। इनका दंड चक्र दंड कहलाता है। फिलहाल दंडी नगरी में तीनों तरह के संत कुंभ में रह रहे हैं। दंडी स्वामी ही शंकराचार्य हो सकता है। दंड का प्रथा जो है ये ब्रह्म दंड कहा गया है। स्वयं भगवान नारायण ने दंडी स्वामी के रूप में प्रकट हुए थे। सत्यनारायण व्रत कथा पुराण जो है, एक पुराण है जो व्यास जी के द्वारा प्रथम में रचित हुआ, उसमें दंडी स्वामी की कथा आती है। ये सर्वविदित है। तो दंड का परंपरा यह है कि जो जिसके हाथ में दंड है, मात्र दंड गणित नरो नारायण भवित, जो दंड है इसके हाथ में वो नारायण का स्वरूप माना जाता है। यहाँ भी जब सृष्टि रचना के समय जल में सृष्टि पर ब्रह्मा जी ने एक थल बना के पंचकोशी यज्ञ किया था, दशमेध यज्ञ, उसमें भी वेणी भगवान नारायण को आवाहन किया गया था, तो भगवान नारायण ने दंड कवंडल ले करके यहाँ प्रवेश किया था। अब उनको उस यज्ञ का पूज्य देवता मान करके बेणी माधव के रूप में स्थापित है माना गया था। वहां से दंड परंपरा प्रारंभ होता है।
तो नारायणम समारंभा शंकराचार्य मध्यमाम असमदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। तो ये दंडी स्वामी प्रयाग में प्रवेश के बाद, ऐसे तो सर्व पूज्य हैं, लेकिन प्रयाग में दंडी स्वामी इसलिए पूज्य है कि जब ये थल स्थिर हुआ था, थल निर्मित हुआ था, प्रयाग तीर्थ घोषित हुआ था, प्रयाग में संगम प्रकट हुआ था गंगा जमुना सरस्वती जब आवाहन पर त्रिदेवों के, तो उसी समय बेड़ी माधव के रूप में भगवान नारायण ने दंड कमंडल धारण करके प्रवेश किया था, तभी से दंडी को पूज्य माना गया है और दंडी स्वामी पूज्य माने जाते हैं। दंडी स्वामियों की पहले पूजा होती है। दंड परंपरा में दंडी स्वामी नगर बसाने का यह है क्रिया कि दंडी स्वामी नगर, अब दंड परंपरा में जब समूहक दंडी स्वामी हो गए तो पहले दंडी स्वामी ही कल्पवास किया करते थे, यहाँ और कोई संत नहीं आते थे, लेकिन आस्ते आस्ते प्रचार हुआ और सभी संतों का आगमन हुआ तो अलग अलग नगर बसाने लगा, उसीलिए दंडी स्वामी नगर अलग से बसाया जाता है। और प्रशासन के तरफ से भी आज तक परंपरा के अनुसार दंडी स्वामियों को प्रथम जगह तक जगह दे करके ही मेला में और जगह वितरित किया जाता है। दंडी स्वामी की बहुत कठिन दीक्षा होती है। दीक्षा लेने वाला ब्राह्मण कुल में जन्मा होता है, इनको अपना पिंडदान खुद ही करना पड़ता है, पंचगुरु इनको दीक्षा देते हैं। देश में इस वक्त 176 दांडी शिविर चल रहे हैं जिनकी सारी व्यवस्था प्रशासन करता है। पूरे भारत में इस वक्त 17,000 से 18,000 दंडधारी संत मौजूद हैं। इस समय हमारे यहाँ अखिल भारतीय दंडी सन्यासी प्रबंधन समिति 176 शिविरों का संचालन कर रही है कुंभ मेले में। प्रत्येक वर्ष माघ मेले में 125 शिविर जो है दंडी स्वामी नगर में बसाए जाते हैं। इस प्रकार से उनकी समस्त प्रकार की व्यवस्थाएं, सुविधाएं बसाने से लेकर के उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर के समिति उसका रखरखाव और ख्याल करती है और अपने आधार पर जो है समिति उन सब की आवश्यकताओं की पूर्ति करवाती है। अगर हम बात करें तो कितनी संख्या होगी दंडी स्वामियों की इस समय? संपूर्ण भारतवर्ष में इस समय 1800-1900 दंडी सन्यासियों की संख्या है लगभग इसके इर्द गिर्द में, इससे ऊपर जो है दंडी सन्यासियों की संपूर्ण भारतवर्ष में कोई संख्या नहीं। प्रयाग में इनकी पहली पूजा होती है। कुंभ हो या माघ मेला हो, प्रशासन भी पहले इन्हीं को बसाने का काम करता है। इसके बाद ही मेले में और महात्मा और संस्था को जमीन दी जाती है। प्रयाग में कल्पवास कर रहे कल्पवासी रोजाना एक दंडी स्वामी को भोजन कराने के बाद ही खुद भोजन करते हैं। दंड लेने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को होती है और कठिन साधना के बाद ही इनको दंड दिया जाता है और ये केवल माघ मेला या कुंभ मेले में ही दिखाई देते हैं। कैमरामैन दुर्गेश के साथ धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। तो आज के लिए हमारे प्रोग्राम में इतना ही। आप बने रहिए भारत समाचार के साथ।